आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। मंडी में अरहर व उड़द दाल की कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक चल रही है। बावजूद इसके किसानों में नाराजगी है। इसके पीछे की वजह केंद्र सरकार का एक फैसला है। दरअसल मंगलवार को उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने अरहर और उड़द दाल के आयात को मार्च 2023 तक के लिए मुक्त श्रेणी में रखने का निर्णय लिया था। किसानों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से अरहर और उड़द की कीमत गिर जाएगी, जिससे उत्पादकों को सीधा नुकसान होगा। इस फैसले के संबंध में मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि यह निर्णय घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए इन दालों का निर्बाध आयात सुनिश्चित करेगा। ऐसी उम्मीद है कि इन उपायों से दालों की पर्याप्त उपलब्धता होगी और ये दालें उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर प्राप्त होंगी। खरीफ सीजन शुरू होने से पहले केंद्र सरकार का यह फैसला काफ़ी लोगों के लिए चौंकाने वाला है। वहीं ट्रेडर्स का कहना है कि जनवरी के अंत तक सरकार ने 7 लाख टन अरहर, 5.8 लाख टन मसूर, 1.15 लाख टन राजमा, 66,693 टन लोबिया, 1.65 लाख टन मूंग, 1.32 लाख टन चना, 61,000 टन काबुली चना और लगभग 4.89 लाख टन उड़द का आयात किया है। दाल और खाद्य तेल की कीमतों में आई बढ़ोतरी के कारण केंद्र सरकार बीते एक साल से दाल और खाद्य तेलों के भाव पर नजर रख रही है। इसके लिए आयात अवधि को बढ़ाने से लेकर स्टॉक लिमिट जैसे कदम उठाए गए हैं। किसानों का कहना है कि आयात अवधि को बढ़ाने का फैसला जल्दबाजी लिया गया निर्णय है। सरकार को यह समझना चाहिए कि इन दालों की कीमत भले ही MSP से ऊपर चल रही हो, लेकिन तेल की बढ़ती कीमतों के कारण हमारी लागत काफी बढ़ गई है। देश के अलग अलग थोक बाजारों में फिलहाल उड़द का भाव तय MSP 6300 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक चल रहा है। वहीं लातूर मंडी में अरहर की कीमत 6500 से 6800 रुपये क्विंटल है। बढ़ी हुई कीमत के बावजूद किसान अपनी पैदावार को लेकर मंडियों में नहीं आ रहे हैं और भाव बढ़ने की उम्मीद में स्टॉक करने पर ध्यान दे रहे हैं। वहीं कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से कीमतों को कम करने में मदद नहीं मिलेगी। दरअसल इस बार बेमौसम बारिश के कारण उत्पादन पर असर पड़ा है और दाम में बढ़ोतरी के पीछे भी यह एक प्रमुख कारण है। वहीं कुछ व्यापारियों का यह भी कहना है कि सरकार के इस निर्णय से उत्पादन में आई 10-12% की कमी को आयात के जरिए पाटने में मदद मिलेगी। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में 2-2.5 लाख टन अरहर का म्यांमार से आयात किया जा सकता है। इससे आगे कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना कम हो जाएगी और घरेलू बाजारों में आपूर्ति बढ़ेगी। ये रिपोर्ट मार्केट टाइम्स TV। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।